अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ने ठीक हो? सब खैरियत नाल हो? दोस्तों आज फिर मैं एक नवी वीडियो लैके आया। इस वीडियो में मैं तुम्हें दसागा साड़ा जो फाइबर का मोडम हों उनका वाईफाई हाइड किस तरह किया जाता है। बड़े दोस्तों की कंप्लेन है कि सर जी साड़ा जोड़ा ना वाईफाई गुआढ़ियों के घर शो हों, साडे हमसाए साढ़े को पासवर्ड मंगते हैं, तो असी इस चीज़ तो बड़ा तंग हाँ। सानू कोई इनका हल दसो कि असी आपका वाईफाई जरा ना हाइड कर लीए, इन्हों लुको दईए ताकि साढ़े जोड़े गुआढ़ी ने साढ़े को पासवर्ड ना मंगन। यह वीडियो खास उन्होंने दोस्तों लिए जोड़े चाहते हैं कि साड़ा वाईफाई गुआढ़ियों के घर शो ना हो। चलने वीडियो वाले सर नाल पहले असी अपना ब्राउज़र ओपन करांगे। ब्राउज़र असी ओपन कर लिया। ब्राउज़र के एड्रैस बार में एड्रैस लिखांगे 192.168.168। तकरीबन जिनी भी कंपनी के राउटर होंगे ने, भावें वह फाइबर का होवे, भावें टेंडा का होवे, डी लिंक का होवे, मर्कसिस का होवे, जिहड़ी मर्जी कंपनी का, तकरीबन सब दी सीरियल इत्थों तक सेम ही होंगी है 192.168। उस तो अगे सीरियल चेंज हुई होंगी, तो जिहड़ा फाइबर का मॉडम है उनकी जिहड़ा आईपी 192.168.100.1। गो करांगे असी तो जी साडा मॉडम कहिंदा पिया भी सानू यूज़र नेम ते पासवर्ड दिओ। इत्थे अकाउंट विच असी लावांगे रूट, रूट ROOT रूट छोटी ABC दे विच लिखना है। थल्ले जिहड़ा पासवर्ड है एडमिन ADMIN, उपर रूट थल्ले एडमिन लिख के लॉगिन कर देंगे। ROOT ADMIN लॉगिन। लो जी लॉगिन हो गया। जो लॉगिन हुई है तो यह सिस्टम टूल्स साड़ी सैटिंग इतने आई होंगी है। असी पांच नंबर पर ऑप्शन है डब्ल्यू लैन पर क्लिक करांगे। थोड़ा जहा मैं जूम कर लेना, थोड़ा जहा मैं जूम कर लिया। तुसी देख रहे जी SSID नेम पोंगा जी इनेबल SSID, इहदे टिक लग्या होया। कुछ दोस्त पता की करते ने, वाईफाई हाइड करने की बजाय वाईफाई नू ऑफ ही कर देंगे ने इनेबल SSID का टिक खत्म करके। जबकि इनेबल SSID दे टिक खत्म कर देंगे तो वाईफाई बंद हो जाएगा। तो कुछ दोस्त अपने कोलों जिहड़ा ना जल्दी जल्दी वीडियो पूरी वेंदे नहीं गए, तो छेती छेती इनेबल SSID जी लिखी लिखा होया उपर SSID नेम है थले इनेबल SSID, वो इन्हें तो गुड़ का निशान खत्म कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, वाईफाई वैसे ही बंद हो जाता। फिर वो कंप्लेन कर देने दफ्तर, सर जी साडा वाईफाई ही बंद हो गया, शो ही नहीं हुंदा पिया। भाई इत्थे जिहड़ा ना वाईफाई बंद हो जाएगा, वाईफाई हाइड किस तरह किया जाता है वो उस तो दो स्टैप थले है। नीचे आया ब्रॉडकास्ट SSID, ब्रॉडकास्ट SSID असी जो टिक लगे होया वो खत्म कर दिता। ध्यान नाल फिर वेख लो, ब्रॉडकास्ट SSID का टिक मैं खत्म कर दिता है, हुण इहनू मैं अप्लाई कर दिता है। जिस तरह ही मैं अप्लाई करांगा मेरा वाईफाई डिसकनैक्ट हो जाएगा, मोबाइल मेरा वाईफाई नालों डिसकनैक्ट हो गया, तो दूसरे राउटर के सिग्नल आते पे सी उन्हें नाल मेरा मोबाइल कनैक्ट हो गया। तो हुण तुसी देख रहे जी पोंगा जी के ना तो सिग्नल नहीं आ रहे, तो हुण वाईफाई तो हाइड हो गया, इनू ऐड किस तरह करवाना हुंदा है वो भी मैं तुहानू दसना। कुछ मोबाइलों के थले ही जिथे वाईफाई के सिग्नल शो हो रहे हैं थले खिंचा हुंदा ऐड नैटवर्क या मैनुअली ऐड, मैनुअली ऐड नैटवर्क की ऑप्शन हुंदी है। तो कईयों के लिए चाहता है इतने कोने पर मोर लिखा होया, मोर पर क्लिक करांगे। फस्ट पर लिखा होया ऐड नैटवर्क, ऐड नैटवर्क पर जिहड़ा तो तुहाडे राउटर का तुसी नाम रख्या होया सी वाईफाई नाम की सी? मैं रख्या सी PUNGHA स्पेस दे के GEE। इत्थे एक चीज़ यह नोट रखनी है कि तुहानू वो याद होना चाहिए है कि तुसी जिहड़ा ना वाईफाई का नाम रखो शॉर्ट ही रखो जिन्ना भी हो सकता है, तो कोई दो चार हिंसे ला लवो। जिमें मैं वड़ा सारा लिखा है पूंगा जी, मैं अपने चैनल का नाम लिखा,
ਕੱਲਾ GEE ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਬਲਯੂ ਲੈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਟਿਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।